बाबा खातीदास की कुटी पर उमड़े जल सैलाब के बीच में आप सबका दर्शन करते हुए मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ। ऐसा अवसर लोगों को कब मिला करता, और हम सभी लोग बाबा खातीदास के चरणों में मथा नमन करके माननीय सांसद चौधरी श्री राम शर्मा जी अपने को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि मुझे इस पावन तपो भूमि पर पहुंचने का मौका मिला है। माननीय सांसद जी, यहाँ सभी लोग नहीं पहुंच सकते, इसका इशारा ये मैंने है कि यही सरावत अति कठिनाई और बिनु प्रभु के पाया ये नहीं जाई। कोई प्रभु के बगैर कृपा के यहाँ पहुंच नहीं सकता है। इसलिए माननीय सांसद जी, आप बहुत भाग्यशाली जो ऐसे पावन तपो भूमि पर बाबा खातीदास के कुटी पर पहुंचकर बाबा खातीदास के चरणों में मथा झुका करके नमन करते हुए और अपनी जनता जनार्दन से, जनता जनार्दन है, जनता हमारी मालिक है, हम उसके सेवक हैं और सेवक की हैसियत से माननीय सांसद जी आप यहाँ मौजूद हैं। आओ खुशी के गीत सुनाए, किस बात की खुशी हो जरा जी, सदर जिला पंचायतपुर खारोडेस में मुख्यमंत्री होने का गौरव हासिल हो चुका है, और उत्तर प्रदेश की महान जनता के बदौलत जिनको उत्तर प्रदेश में चार चार बार जो है समाजवादी पार्टी की सरकार ने सरकार चलाने का गौरव हासिल है। बहुत ही गौरवशाली फैसला माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा हुआ है। आओ खुशी के गीत सुनाए और लगाए नारा, समाजवादी अमर रहे यह भारत वर्ष हमारा, समाजवादी अमर रहे यह भारत वर्ष हमारा। अरे फारवर्ड भाई चीफ मिनिस्टर माननीय अखिलेश यादव जी, आओ खुशी के गीत सुनाए और लगाए नारा, समाजवादी अमर रहे यह भारत वर्ष हमारा। कहना तो बहुत कुछ है, हम लोग कहते रहेंगे भी बहुत दिन तक आपके बीच में आते जाते रहेंगे, हम अपनी बात रखते रहेंगे, लेकिन बात सांसद जी दिखाई दे रही है। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सम्मानित साथियों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, हम सबका गले लगई बै, ये भारत चौधरी राम जी की है। हम सबका गले लगई बै संदेशा, अखिलेश भैया कह बतैबे, हम सबका गले लगैबे, हमार कोई का करी है, हम भारत की शान बढ़ैबे, हमार कोई का करी है। समाजवादी पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी के रूप में अपनी जनता के बीच में जो है जनता से रूबरू हो रहे आप सबके दुख सुख में शामिल चौधरी राम शर्मा जी हम लोग के बीच में आज एक कैंडिडेट ऑफ एमपी समाजवादी पार्टी से आपके बीच में है। हम सभी लोग उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सांसद जी, इसी भावना के साथ कदम तय करते हुए पूरी लोकसभा में चक्कर लगा दो, पूरी लोकसभा में यही समझ लाना चाहिए। माने सांसद जी, इंसान हो इंसान की पहचान यही है। क्या पहचान है? अरे भाई बीच में सर जिला पंचायत पूर्व यादव जी, उदय यादव जी, क्या पहचान है इंसान की? हाथ
पर ना का ना होने के नाते हमें अपने को इंसान कहने का गौरव हासिल है। निगाहें पलट करके देख लो, आगे पीछे दाएं बाएं पूरे पश्चिम देखो, आप ही हाथ पर ना का ना मुझे सा कोई दिखाई दे रहा है, कोई खड़ा है, कोई बैठा है, कोई सामने है। हम इंसान हैं, वो क्या है, वो भी इंसान है। इसके सांसद जी मजबूत शोहरत की कुंजी अगर हासिल करना किसी को आता है तो माननीय रामचंद्र चौधरी साहब आपने कुंजी पकड़ ली है। हम किसी का अपमान करके सम्मान नहीं पा सकते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, हम सब का गले लगरीब है, हमारे कोई का करी है। बहुत कुछ कहना है, ईसाई में समझ जाओ, बटन आपके सामने रहेगी, चुनाव निशान आपके सामने रहेगा, सोच समझ के फायदा लेना है। पूरे देश के अंदर परिवर्तन की आधी चल रही है, ईसाई को कोई रोक नहीं सकता है। सहनशक्ति जी कच्चे बखिये की तरह रिश्ते उठा जाते हैं, हर नए मोड़ पर कुछ लोग पिछड़ जाते हैं, हम सबको अपने गले लगाते हैं। चुनाव निशान साइकिल 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 बताते चलते हैं, चुनाव निशान साइकिल 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 वाले बटन लगा करके जो है आपको अपना प्रत्याशी बड़े पैमाने पर माने राम सोनी चौधरी साहब को विजयी बनाना है। कहना तो बहुत कुछ है लेकिन बहुत कुछ ना कह करके गंगा जमुना सरस्वती की मान्य सांसद जी समय हमने बहुत दे दिया है और बहुत लोग आपको सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं अपनी बात को यह प्रोग्राम देते हुए इंटरनेशनल फेमस स्टार का पैसा मिल गया, अंतरराष्ट्रीय ख्याति अर्जित कर रही भगवान बुद्ध की पावन तपोस्थली सावस्ती, जहाँ पर अंगुली मार जैसे खतरनाक डाकू को इंसान होने का गौरव हासिल है, ऐसी गौरवशाली धरती से जुड़ी हुई कि हमारे सभी सम्मानित बाबा खाकीदास समिति चौबे गुरुवार जो इस कार्यक्रम के सम्मानित सदस्य हैं, जय श्री योगराज यादव जी, पूर्व प्रधान जी, अध्यक्ष जय श्री पंकज तिवारी जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य, व्यवस्थापक श्री माधवर यादव जी, सदस्य जय श्री कुमार यादव जी, भाई बुराद अली जी क्षेत्र पंचायत सदस्य, भाई श्री अनिल यादव जी, भाई श्री पंकज वर्मा जी, भाई श्री रामराज वर्मा जी, भाई सुग्रीव यादव जी, भाई सुभाष यादव जी, भाई कन्हैयालाल यादव जी और हमारे बीच में उपस्थित प्रधान रानीपुर भाई उसी खासा कार्यक्रम में उपस्थित भाई स्वामी स्वामी महात्म जी पूर्व प्रधान जी भाई न्यास खां जी और तमाम लोगों का नाम अभी हम नहीं ले पाए हैं और इस क्षेत्र से आई हुई सम्मानित जनता जनार्दन का मैं आप सभी लोग अपने हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और जिस तरीके से रात्रि में कई बार
इस कार्यक्रम में ही आने का सौभाग्य मिला और आज भी मुझे आने का सौभाग्य मिला। लेकिन आप सभी लोग मित्रों जानते हैं कि क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा होता है लोकसभा का, कभी आ पाते हैं कभी नहीं भी आ पाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप सभी लोगों ने अपना प्यार और सम्मान मुझे हमेशा दिया है, मैं आप सभी लोगों का ऋणी हूं, आभारी हूं। लेकिन अभी लाल जी वर्मा जी कह रहे थे कि आज पुनः आपकी सेवा करने का अवसर मुझे फिर मिलने की उम्मीद है और मैं फिर दोबारा, अभी तो आप सभी लोग सांसद हैं लेकिन फिर दोबारा आपको प्रत्याशी बनने का भी सौभाग्य मिला है। और आज ऐसे नवरात्र के शुभ समापन के अवसर पर हम यहाँ पर उपस्थित हैं और फिर चुनाव चल रहा है, 25 मई को आपका वोट पड़ेगा और 4 जून को मत भरना होगा। मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगा कि आप सभी लोग का फिर अगर सहयोग आशीर्वाद मिला, क्योंकि पहले तो मैं जब आया था मुझे बाहरी कहा जा रहा था, लेकिन अब श्रावस्ती जनपद में ही जहाँ भगवान गौतम बुद्ध की धरती है वहां एक छोटा सा श्रावस्ती सदन, मेरा अकेले नहीं आप सभी लोगों का सदन मनोबल के घर आप लोगों का बन गया है। जैसे आज यहाँ हमारे हम सभी लोगों की कुटी है, वैसे आप सभी लोगों श्रावस्ती सदन के नाम से ही मैंने उस भवन का नाम दिया। और कभी भी बेहिचक आप अपने घर में कभी भी आएंगे, रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं, मिलने का भी काम कर सकते हैं। अब जो सवाल रहा पिछली बार का बाहरी, अब हम आपको बताना चाहते हैं कि आप सब लोग हमारे हैं और आप सबके हम हैं। इसी भाव के साथ अगर यही प्यार हमें मिलता रहेगा, क्योंकि रात 11 बज रहा है, 11:30 बज रहा है, अगर आपका कोई अपना भाई होगा तभी अपने बीच में आने का काम करता है। आप बहुत बड़े नेता रात में आना पसंद नहीं करते हैं, इतनी भीड़ में चलना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि जब हमने कहा कि आप हमारे हैं हम आप सबके हैं, यही भाव हमारा आपका है। क्योंकि जब जानते नहीं थे पहचानते नहीं थे तब तो आपने अपना बना ही लिया, अब तो हम आपके घर के हैं, तो अपने घर में अगर हम सब लोग हैं तो आप उसी तरीके से सम्मान आपको देना है। और मैं आप सभी लोगों की सुख दुख में भी प्रयास करता हूँ, जहाँ आदेश होता है निर्देश होता है पहुँचने का प्रयास करता हूँ। हो सकता है कहीं जाने अनजाने में ऐसा भी होता है कि लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, तो अपने घर के हैं, पूरा अधिकार है लड़ने का, लेकिन सम्मान यही घर है होना चाहिए। क्योंकि कार्यक्रम चल रहा था, कार्यक्रम को रोक करके मुझे सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। तो आप सभी लोगों को पुनः आज नवरात्र के समापन के शुभ अवसर पर ये उमड़ा हुआ जैसे सैलाब है हमारे क्षेत्र के लोकसभा से श्रावस्ती की सामान्य जनता जनादन का, मैं पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। और मंच पर उपस्थित सभी प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण, प्रमुखगण, जिला पंचायत के सदस्यगण और क्षेत्र की सामान्य जनता जनादन का भी और इस कमेटी के सभी सामान्य प्राधिकारी साथियों का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और यही भाव हमेशा हम लोगों का बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। अपने बीच में सम्मानित डॉक्टर काशीराम जी, आपसे अनुरोध है कि अपने प्रत्याशी महोदय जो प्रदेश के सांसद हैं माल्य अर्पण का स्वागत करते हैं। हमारे बीच में आपने बीच में
सम्मानित अध्यक्ष इस कार्यक्रम के जो मेन भागना जो व्यवस्थापक है श्री माधवर यादव जी, आपसे अनुरोध है कि अपने सांसद प्रत्याशी कुमार का स्वागत करते हैं। हमारे बीच में सदस्य शिव कुमार यादव जी, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जनाब मुरारी साहब क्षेत्र पंचायत सदस्य, हमारे बीच में आनंद यादव जी, आदरणीय पंकज वर्मा जी, भैया शुक्री यादव जी, मान्य सुभाष यादव जी, कन्हैयालाल यादव जी, जनाब अश्विन खान साहब प्रधान रणपुर, आप प्रधान